भाई मेरी बहुत बेकार मूवमेंट है भाई, मुझे राइस्टर बनना है भाई, मुझे नूब से नूब बंदा भी नूब बोल के जाता है यार। भाई कुछ बताओ प्लीज, दोस्तों के आगे भी इज्जत नहीं है यार, क्या करूं, कुछ बताओ भाई प्लीज। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो यार देखो, फ्री फायर में मूवमेंट स्पीड एक ऐसी चीज है कि जिसके पास ही अच्छी खासी होती है वो तो भाई अकेले ही चार चार बंदों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन जिसके पास सिर्फ काम चलाओ मूवमेंट होती है उसको तो अगर 5000 की HP दे दोगे तो भी वो जाके नॉक हो जाएगा। अरे नहीं भाई। और हर एक स्क्वाड में एक ना एक प्लेयर तो ऐसा होता ही होता है कि जिसका गेम प्ले एकदम हलवा और मूवमेंट एकदम बॉट के बराबर होती है, जिसकी वजह से उसको स्क्वाड में बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती और कस्टम में भी उस बेचारे को पूरे टाइम सिर्फ स्पेक्टेट में ही रखा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई सिर्फ हेडशॉट मारने से कुछ नहीं होता, आपके पास चार बंदों का दिल दहला देने वाली मूवमेंट स्पीड भी होनी चाहिए। इसको बिल्कुल वैसा ही मान लो कि मेरे खाली वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी इसके बाद। अरे तू जा रही। अब अगर मैं आपको अपनी इतनी डेडली मूवमेंट का राज बताऊं तो मैं हर एक मैच से पहले अपने इस कैरेक्टर को एक दो बोतल बूस्ट पिला देता हूं, बिकॉज बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। और उसको पीने के बाद मेरा कैरेक्टर जो मूवमेंट करता है ना भाई, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि जितनी मूवमेंट आप 10 बोतल बूस्ट माजा फ्रूटी फेंटा माउंटेन ड्यू पी के नहीं कर पाओगे, उससे कहीं ज्यादा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी पूरी मूवमेंट स्पीड लगा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाओ और वीडियो को एक लाइक कर देना वरना मैं नहीं बताऊंगा। तो देखो, फास्ट मूवमेंट करने के लिए आपकी जो सबसे पहली चीज है ना, अगर आप इसको सही कर लेते हो तो आपको बाकी पूरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसका नाम है रिएक्ट फास्ट। तो अब जैसे मान लो कि आपके सामने ना दो प्लेयर है ना, तो जो पहला प्लेयर है वो पहले अपने एनिमी को देख रहा है, उसको जांच रहा है, उसके ऊपर परख रहा है, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च कर रहा है, फिर उसके बाद जाके सोते सोते ड्रैग कर रहा है। लेकिन जो सेकंड प्लेयर है वो भाई जैसे ही अपने एनिमी को देख रहा है वो वैसे ही ड्रैग करते रहा है और ग्लू वगैरह भी वो काफी ज्यादा फास्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अब कोई भी बंदा आके इन दोनों को देखेगा तो वो पहले वाले को बॉट और सेकंड वाले को प्रो ही बोलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा कभी भी ज्यादातर सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी चीजें कर देनी है। जैसे कि आप मान लो कि आप किसी एनिमी को देखते हो फिर उसके बाद उसके ऊपर फायर करते हो, तो उसको देखना और उसके ऊपर फायर करने के जो बीच का टाइम होता है ना, उसको आपको हमेशा कम करने की कोशिश करनी है और हमेशा जल्दी जल्दी रिएक्ट करना है चीजों पे। और आपको कभी भी फेक मूवमेंट के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि आप बहुत लोगों को देखते होगे कि भाई वो बस ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की मूवमेंट दिखाते रहते हैं। अगर एक दो बंदे सामने हैं तब तो आप लोग मूवमेंट दिखाओगे, तब तो कोई फायदा भी है ना। अगर खाली जगह पे मूवमेंट दिखा रहे हो तब तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि देखो बंदों के सामने जाओगे तब तो आपकी प्रैक्टिस होगी, खाली जगह पे तो यार कोई भी अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो आपको उतनी ही मूवमेंट करनी है जितनी आपको जरूरत है, फालतू का राइस्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है। ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है ना वो है कि भाई आपका ना आपकी पूरी की पूरी कस्टम एचयूडी में रन बटन पे बहुत तगड़ा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे तो सभी बटनों पे होना चाहिए लेकिन रन बटन पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। और इसके लिए इस बटन का साइज आप लोग 100 पे रख सकते हो, जिससे कि आप लोग उसके ऊपर आराम से क्लिक कर पाओ। जैसे कि आप सेटअप ग्लू वॉल लगाते हो उसके बाद आप लोगों को स्प्रिंट वाला बटन दबाना पड़ता है ना, या फिर कभी कभी आप लोग किसी को फायर करने के बाद भागते हो तो तब भी आप लोगों को स्प्रिंट वाला बटन दबाना पड़ता है ना, मतलब आप लोग काफी बार इस वाले बटन पे क्लिक करते हो। लेकिन अगर वही बटन सही टाइम पे क्लिक नहीं होगा तो फिर तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए आपको उसका साइज बढ़ा के उसको थोड़ा सा अलग से रखना है कस्टम एचयूडी में, जिससे कि आप उसके ऊपर जब मन चाहे तब उसके ऊपर क्लिक कर पाओ। और आप लोगों को मैं कस्टम एचयूडी में ना एक और चीज बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग ना एक बार बैठ के अपनी कस्टम एचयूडी को सही से बना लो, अपने हर एक बटन को अपने हाथ के हिसाब से उसकी बेस्ट पोजीशन पे सेट कर दो। क्योंकि देखो अगर आपकी कस्टम एचयूडी बेकार रहेगी ना तो फिर तो आप लोग जितनी मर्जी प्रैक्टिस मार लो आपको हमेशा दिक्कत ही रहेगी। इसको बिल्कुल वैसा ही मान लो कि भाई ड्राइवर चाहे कितना भी प्रो क्यों ना हो गाड़ी चलाने में, अगर उसकी गाड़ी का जो टायर है वही पंचर होंगे तो फिर तो वो गाड़ी सही से चलेगी ही नहीं। इसीलिए सिर्फ आप लोगों को 10 मिनट ही लगेंगे आप लोग एक बार सही से बैठ के अपनी गाड़ी अपनी कस्टम एचयूडी को एक बार आप लोग सही से बना लो, और फिर उसके बाद उस कस्टम एचयूडी में कभी भी कोई बड़ा चेंज मत करना। अब अगर कस्टम एचयूडी की बात चली रही है और आप मूवमेंट स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो तो फिर तो भाई आप लोग आज ही 3 फिंगर में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यार आप लोग 3 फिंगर की कस्टम एचयूडी में जितनी मूवमेंट कर सकते हो ना, आप लोग 2 फिंगर की कस्टम एचयूडी में उतनी मूवमेंट कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 फिंगर में आप लोग सीधा सीधा अपने गेम में एक और फिंगर को ऐड कर रहे होते हो, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन शुरुआत में आप लोग जब 3 फिंगर खेलने जाओगे ना तो आप लोग सही से 3 फिंगर नहीं खेल पाओगे, लेकिन 1 महीने बाद आपका अलग ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। और आप क्या सोचते हो, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ये 2 फिंगर में खेलते हैं, जैसे कि पागल M10 ये 2 फिंगर में खेलता है, भाई ये 2 फिंगर में नहीं, ये हैक लगा के
ये पक्का 3 या 4 फिंगर में खेलता होगा, क्योंकि इसको पहले ही पता था कि भाई 2 फिंगर में कुछ नहीं रखा, 3 या 4 फिंगर का ही जमाना है या फिर एक बार हैक लगाना है। अब अगर फिंगर की बात चली रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग अपनी फिंगर को ना थोड़ा फास्ट चलाया करो, क्योंकि अगर आप लोग किसी बटन पे 1 सेकंड बाद क्लिक करोगे तो उस पे 1 सेकंड बाद ही क्लिक होगा, उससे पहले क्लिक नहीं होगा। मगर क्यों? और ज्यादातर लोग तो ऐसे फिंगर चला रहे होते हैं जैसे उनकी फिंगर अभी अभी सो के उठी है, तो इसीलिए भाई अगर आप लोग अपनी फिंगर को फास्ट चलाओगे तभी आपकी फिंगर फास्ट चलेंगी, वरना नहीं चलने वाली। और आप अपने फिंगर्स को कपड़े भी पहना सकते हो, मतलब आप फिंगर स्लीव्स का यूज भी कर सकते हो एक स्मूथ गेम प्ले के लिए, या फिर फोन की स्क्रीन पर पाउडर वगैरह भी छिड़क सकते हो। अब अगर बात करें नेक्स्ट चीज की तो वो है कि आप लोग हमेशा जैसे CS रैंक खेलते हो तो आपको कभी भी अपने टीममेट के पीछे नहीं रहना है, आप लोगों को हमेशा बंदों में घुस जाना चाहते ही, क्योंकि अगर आपका टीममेट आगे रहेगा और आप पीछे रह के किल चोरी करते रहोगे तो फिर तो आपका गेम प्ले जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। या फिर आप लोग एक और चीज कर सकते हो कि आप लोग BR रैंक में सोलो वर्सेस डुओ या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड भी खेल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि भाई अगर मैंने सामने किसी बंदे को नॉक किया तो उसको तो रिवाइव मिल सकता है, एक बार को है ना, चांस है उसको रिवाइव मिलने का, लेकिन अगर मेरे को किसी ने 200 का डैमेज दे दिया तो मेरा तो वही खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इसीलिए मानो या ना मानो आप लोगों का उस टाइम पर गेम प्ले अलग ही लेवल का निकल के आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग उस टाइम पर प्रेशर में खेल रहे हो। या फिर अगर आप बोलोगे कि भाई नहीं मैं सोलो वर्सेस डुओ या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेलना चाहता, मेरे पास एक मेरा जिगरी दोस्त है मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, है ना, तो आप लोग उसके साथ डुओ वर्सेस स्क्वाड भी खेल सकते हो, जिससे कि सामने 4 बंदे होंगे और आप लोग सिर्फ 2, है ना, तो उसमें भी आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बस आपको एक शर्त लगा लेनी है उस टाइम पे कि भाई आपको बंदों को रश में ही मारना है, ये नहीं कि भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड में गए तो है लेकिन वहाँ फैक्ट्री की छत पे जाके दोनों दोस्त वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर हम इतना अंधा रश मारेंगे तो फिर तो हमारी रैंक भी माइनस हो सकती है, हमको इतने हैकर थोड़ी है जो बस जाते हेड पे हेड मार मार के सबको खत्म कर देंगे। तो भाई मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपकी रैंक माइनस हो सकती है क्योंकि आप एकदम फेयर प्लेयर हो, आपको हैकर वैकर तो हो नहीं कि बस जाते 1v2 1v4 क्लच मार दोगे हर बार। तो अगर आपको अपनी रैंक बचानी है ना तो आप लोग फिर जाओ भाई ट्रेनिंग में, क्योंकि भाई ट्रेनिंग में ना तो कोई रैंक वैंक का सीन होता है और ना ही आप लोग जैसे एक बार मरने का डर भी नहीं आपको, क्योंकि आप लोग जैसे एक बार मरोगे आप लोग दोबारा जिंदा हो जाओगे और वहाँ पे एनिमी भी अनलिमिटेड होते हैं, जिससे कि आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर अगर आपके पास कस्टम है तो फिर आप लोग कस्टम में भी जा सकते हो, लेकिन हाँ 1v1 कस्टम में मत जाना, 4v4 कस्टम में ही जाना। और कस्टम में यार आपको जितना ज्यादा हो सके आपको उतनी ज्यादा ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोग जितनी ज्यादा ग्लू वॉल लगाओगे ना तो आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी फिंगर की, है ना, और आपकी जितनी ज्यादा फिंगर की प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी ज्यादा मूवमेंट स्पीड तेज होगी। अब देखो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं कि जिसका यूज करके आप लोग अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हो, है ना, और आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको वो कैरेक्टर लगा लेना है और आपकी मूवमेंट स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है कैली। तो कैली की एबिलिटी ये है कि इसको लगाकर जब आप लोग स्प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करते हो, मतलब जब आप लोग भागते हो, तो कैली की मदद से आप लोग काफी ज्यादा तेज भाग सकते हो, और जितना ज्यादा आप लोग अपने गेम में स्प्रिंट वाले बटन का यूज करते हो उतना ही आप लोगों की ज्यादा मूवमेंट दिखती है, तो इसीलिए आप लोग कैली को हमेशा लगाकर ही जाना। या फिर एक और कैरेक्टर है जो कि आप लोगों को डायरेक्ट ही मूवमेंट स्पीड पकड़ा देता है, जिसका नाम है जोसेफ, तो उसको भी आप लोग अपने कैरेक्टर स्किल में यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो आप लोग कैली को तो हमेशा लेकर ही जाना, आप लोग जोसेफ को लेकर जाओ या फिर ना लेकर जाओ वो आपकी मर्जी है। गजब बेइज्जती है। और हाँ, अगर आपको मेरे से बात करनी है ना तो फिर जल्दी से इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो और आराम से बात करो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन खोलते ही दिख जाएगा। और भाई इस वीडियो में लाइक है मैं सिर्फ 1 लाइक का, मतलब आपको किसी भी अपने 1 अंगूठे से इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज कर लो भाई कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।